हेलो फ्रेंड्स, फीजर एक्वेरियम आपका स्वागत करता है आपके पेट शॉप का साथी सिंस 1998 से, जिसमें बहुत सारी वैरायटीज, एक्जॉटिक फिश की वैरायटीज है, जैसे रेडटेल गोल्डन अरवाना, पर्ल अरवाना, डिस्कस, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो रोज अवेलेबल हमारे पास नई नई फ्रेश वैरायटीज आती है। और कैट फूड में भी बहुत सारी वैरायटीज है, जैसे म्याओ ब्रांड है, रॉयल कैनिन है, विस्कस है, रूल्स है, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो हमारे पास अवेलेबल है और विथ डिस्काउंट्स। और इसके लिए आपको हमारी शॉप पे आइए, एक बार विजिट करिए और उसका फ़ायदा उठाइए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा का नवविवाहिता जोड़ा महाबलेश्वर में घूमने गया था, मगर हादसे का शिकार हो गया। ये बहुत ही भयानक और दर्दनाक हादसा था। लगभग 400 फीट से भी ज़्यादा गहरी खाई में कार गिर गई, जिसमें नवविवाहिता की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि मुमरा के सुकून हाइट्स में रहने वाले सईद चौधरी के बेटे इरशाद चौधरी का विवाह महज 10 दिन पहले ही नूरबाग हॉल में शिमला पार्क की रहने वाली नेहा खान के साथ हुई थी। नेहा खान उत्तर भारतीय महासंघ के अध्यक्ष करीम खान की रिश्तेदार थी, जिन्हें करीम खान अपनी बहन मानते थे। शादी होने के बाद पति इरशाद चौधरी और पत्नी नेहा खान चौधरी लगभग 4 दिन पहले महाबलेश्वर घूमने के लिए गए थे। इनके साथ में कार का ड्राइवर सिराज हामिद शेख भी था, जो मुमरा के इंग्लिश हाई स्कूल के पास जानकारी के मुताबिक ये रहता था। मगर कल वापस महाबलेश्वर से लौटते समय जानकारी के मुताबिक कार चालक सिराज अहमद शेख बुआ साहेब मंदिर के नज़दीक अपना संतुलन खो दिया और कार पहाड़ी से खाई में गिर गई। लगभग 400 फीट से भी ज़्यादा गहरी ये खाई है। आप तस्वीरों से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भयानक था। इस हादसे में नेहा खान चौधरी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और इरशाद चौधरी और ड्राइवर सिराज हामिद शेख गंभीर रूप से घायल है। इस नवविवाहिता की मौत से परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। सुनिए करीम खान ने क्या जानकारी दी है। करीम भाई, जो कार हादसा हुआ है, ये कैसे हुआ और क्या आपके रिलेशन में रहते थे? ऐसी भी जानकारी आ रही है कि ये अभी करीब 10 दिन हुआ इन लोगों की शादी हुए और ये लोग घूमने के लिए गए हुए थे महाबलेश्वर, तो ये हादसा हुआ है क्या? कितने लोगों की इसमें डेथ हुई, क्या? जी, ये पहले तो मैं बताऊँ कि मेरी बहन थी रिश्ते में, मेरे गाँव से थे, मेरी बहन थी और अभी शादी 10 दिन पहले हुई है इनकी नूरबाग हॉल में। बड़े धूमधाम से माशाल्लाह उसकी शादी हुई है। बोलने को भी नहीं अच्छा लग रहा, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अंदर मतलब दर्द भरा हुआ है। ये लोग अभी 3 दिन पहले महाबलेश्वर गए हुए थे, 4 दिन पहले, और वापसी में थे, महाबलेश्वर से वापसी में थे, और 3 ही लोग थे गाड़ी में, दूल्हा दुल्हन ये थे और ड्राइवर था। गाड़ी शायद अब कैसा हो तो ड्राइवर से ही जानकारी मिली है कि ड्राइवर को अल्लाह बचा लेगा, तो ड्राइवर से मतलब जब ड्राइवर से भी मिल नहीं पाया और लड़के से भी नहीं मिल पाया। मैयत अभी हुई है, अभी हम 1 घंटा हुआ, अभी हम लोगों ने तदफीन करके आए। 400 फुट गाड़ी नीचे गई है, इतना वहाँ के पुलिस वालों से और जो लोग गए थे उनसे ये जानकारी मिली कि 400 फुट गाड़ी नीचे उतरी थी। लड़की तो खैर जगह पर ख़त्म हो गई थी और लड़के की बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन है, पैर वगैरह हाथ पैर वगैरह बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर है, लेकिन लड़का होश में है। और ड्राइवर की कंडीशन क्या है, ड्राइवर को भी वहाँ से वाई से महाबलेश्वर के वाई से वहाँ से भी उसको शिफ्ट कर दिया गया। फिलहाल ड्राइवर की कंडीशन क्या मैं जानकारी नहीं दे पाऊंगा, मैं क्योंकि अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हुई। लड़की का क्या नाम था और लड़के का क्या नाम था? लड़की का नाम नेहा था, लड़के का तो नाम मैं भूल चुका क्योंकि मेरा भी दिमाग कल से चल नहीं रहा। लड़की का नाम नेहा था। हाँ, लड़के के बाप का नाम बता सकता हूँ, लड़के के बाप का नाम सईद था, हमारे गाँव घर से वो भी थे, घरेलू रिश्ते थे, हम लोग ने आपस में बैठ के भी 10 रोज पहले ही उसका निकाह हुआ था, अल्लाह की जो मर्जी थी। लड़के का घर सुकून हाइट में था, एमएम वैली के पास, और लड़की का घर शिमला पार्क में था। तो कुछ अभी हादसे की जानकारी नहीं मिल पाई, अभी बहुत ज्यादा खास जानकारी नहीं मिल पाई क्योंकि घर के लोग ऐसे ही परेशान हैं उनके, और मेरे को तो आप मेरी तो हालत देख रहे हैं कि मैं स्टेटमेंट देने की। लड़के को और ड्राइवर को, ड्राइवर को तो शायद कलवा शिवाजी लेकर के गए थे, अभी फिलहाल मेरे को रिपोर्ट लगी, मेरी ज्यादा लोग से बात नहीं हो पाई इस दाम में, और मेरी भी खुद की भी कंडीशन नहीं थी कि मैं मतलब इतनी सारी बातें कर पाऊँ या भाग पाऊँ, मेरी खुद की भी कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। लड़का तो इधर ही है किसी हॉस्पिटल में, और लड़का ड्राइवर को शायद सिविल लेकर के गए हुए, अभी मुझे मैयत में ही नॉलेज मिला था। कब हुआ था यह हादसा? पूरा घटना ये हादसा कल दोपहर 12:30 बजे का था,
ये लोग महाबलेश्वर से घर की तरफ आ रहे थे और मुंब्रा की तरफ रिटर्न आ रहे थे। वापसी में ये घाट के जो घाट है जो उतरता है घाट महाबलेश्वर का थोड़ा टर्न वगैरह है, कुछ गलतियाँ हुई होगी ड्राइवर से, कुछ आग झपकी होगी, हो सकता है कुछ दूसरी तीसरी गाड़ी आई होगी। गाड़ी नीचे जो उतरी है मेरी, वहाँ से पुलिस वाले से एक से बात हुई थी कल रात में, तो बता रहा था कि सर 400 फुट गाड़ी नीचे गिर चुकी खाई, इतनी जानकारी मुझे मिल पाई। मैं खुद भी पहुँच नहीं पाया था महाबलेश्वर तक। बहुत ही भयानक दर्दनाक हादसा था ये महेश। 10 दिन पहले इन लोगों की शादी हुई थी और हादसे में नवविवाहिता की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इरशाद चौधरी और ड्राइवर सिराज को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।